तो अमेरिका से यूक्रेन को जल्द F-16 फाइटर जेट मिल सकता है। बाइडेन प्रशासन ने यूरोप के अपने सहयोगियों को इस बात के संकेत जारी कर दिए थे। देखिए, काफी लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से नया एपिक सेंटर जो है क्राइमिया को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने अपने दावे दोनों ही देश के राष्ट्रपति करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को कादिरफ की तरफ से बड़ी धमकी यहां पर दी गई है, यूएस के टैंकों को नष्ट करने की चेतावनी सीधे तौर पर। तो देखिए, पुतिन कब तक यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं, ये बात सिर्फ कादिरफ की ग्राउंड रिपोर्ट ही बता सकती है। कादिरफ ने अब यूक्रेन के सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। कादिरफ कह रहे हैं कि वो रूस के पुराने टैंक से अमेरिका के सबसे आधुनिक टैंक का शिकार करेगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या कादिरफ शेखी बगा रहा है या वाकई ऐसा मुमकिन है। कादिरफ अब टैंक पर बैठ कर आएगा। कादिरफ अब टैंक पर बैठ कर कीव पर हमला करेगा। कादिरफ ने इस टैंक को अपना नया हथियार बना लिया है और साथ में ऐसी धमकी यूक्रेन को दी है जो ना अभी तक रूस की फौज ने दी, ना ही खुद पुतिन ने दी। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर कादिरफ ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन दहशत में आ जाएंगे। कादिरफ ने कहा है कि रूस का T-72 टैंक यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले एब्रम्स टैंक के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे मूंगफली के दाने की तरह तोड़ देगा। ये बहुत सीधी वार्निंग है जिसमें गोलों की ताकत से ज्यादा माइंड गेम वाला हमला किया गया है। कादिरफ चेतावनी दे रहा है कि अब गोलियों से नहीं, गोलों से हमले करेगा और अब राइफल या मशीन गन नहीं, टैंक के गोले फायर किए जाएंगे। यानी पुतिन का सबसे खतरनाक कमांडर अब अपने बाजुओं से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और वो भी अमेरिका को डराने के लिए। कादिरफ का ये वीडियो इस वक्त पूरे यूरोप खासकर नेटो देशों में वायरल हो रहा है। टैंक पर सवार कादिरफ पूरे यूक्रेन को कुचलना चाहता है। कादिरफ अब ज़ेलेंस्की की फौज को इसी टैंक पर बैठकर रौंद देना चाहता है, ठीक वैसे जैसे पुतिन ने मारियोपोल में यूक्रेन को हराया है और जैसे बखमूत में रूस की फौज ने ज़ेलेंस्की की पोजीशन को तबाह की है। कादिरफ बता रहा है कि रूस का T-72 जो एक दूसरी पीढ़ी का टैंक है, वो अमेरिका के बहुत ही आधुनिक तीसरी पीढ़ी के एब्रम्स टैंक को तबाह कर देगा। कादिरफ की वार्निंग को मजाक समझा जाए या फिर वाकई बाइडेन के टैंक के लिए डरने की बड़ी वजह है, रमजान कादिरफ दावा कर रहा है कि अब T-72 का आधुनिक वजन ज़ेलेंस्की को मिलने वाले विदेशी टैंकों को खिलौने की तरह तोड़ कर रख देगा। कादिरफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स टैंक पर जल्दी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने अपने 31 एब्रम्स टैंक जर्मनी पहुंचा दिए हैं, जहां यूक्रेन के सैनिकों को उन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। Can confirm that the 31 M1 Abrams training tanks have arrived at Grafenwöhr, Germany, in preparation for subsequent training of Ukrainian tank crews. Those crews are expected to arrive and begin training within the next couple of weeks. As we've discussed previously, this extensive training program for Ukrainian crews and maintainers is intended to prepare them for their critical roles ahead in effectively operating the M1 tank and defending the Ukrainian people. कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि T-72 यूक्रेन को मिलने वाले किसी भी विदेशी टैंक के मुकाबले में बेहतर है। इस पर सवार होकर हमला करना ऐसा जैसे याक पर सवार होकर मछली पकड़। इसी मैसेज के साथ उसने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो T-72 पर सवार है। कादिरफ ने कहा है कि वो इसी टैंक पर बैठकर राजधानी कीव में दाखिल होगा और फिर यूक्रेन की फौज को हराकर अमेरिका से मिले एब्रम्स टैंक को मूंगफली की तरह तोड़ कर रख देगा। कादिरफ इस वीडियो में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, T-72 को एक बहुत खतरनाक टैंक बता रहा है। लेकिन क्या ये सच है कि वो अमेरिका के सबसे ताकतवर टैंक को हरा सकता है? इस टैंक के बारे में कुछ बातें जानने से पहले देखिए कि यूक्रेन को कौन कौन से टैंक मिल रहे हैं या मिल चुके हैं।
यूक्रेन को जर्मनी से लेपर्ड टैंक मिले, यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक मिले, यूक्रेन को अमेरिका से अब्रम्स टैंक मिल सकते हैं। ज़ेलेंस्की को इसकी पूरी उम्मीद है। रमजान कादिरोव ने सबसे बड़ी धमकी अमेरिका के टैंक को दी है। दरअसल ये टैंक जर्मनी पहुंच चुका है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद क्या ये टैंक यूक्रेन भी पहुंच सकता है? These tanks are intended specifically for training. Don't necessarily have the capabilities that they would need to go into combat. So the tanks that we will be providing to Ukraine are going through the refurbishment process right now. They will be updated, upgraded, and prepared for exportability to Ukraine. And because we're doing this concurrently, we will be able to provide those tanks to them in the fall timeframe to get them into Ukraine before the end of the year. ज़ेलेंस्की को टैंक कब मिलेंगे, इस पर बाइडन ने कोई तारीख तय नहीं की है। बातें और दावे अब भी अंदाज के हिसाब से हो रहे हैं। यही वजह है कि कादिरोव ने अमेरिका के टैंक की एंट्री से पहले ही उसके खिलाफ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। जबकि सच ये है कि T-72 का नया वर्जन अमेरिका के अब्रम्स के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा दुनिया इराक में देख चुकी है, इसलिए अब आप इन दोनों टैंकों का मुकाबला देख लीजिए। T-72 का वजन 46 टन है, एब्रम्स का वजन 70 टन है, लेकिन T-72 की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि एब्रम्स 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। T-72 की बैरल यानी तोप 125 मिलीमीटर की है, जबकि एब्रम्स की तोप 120 मिलीमीटर की है, लेकिन एब्रम्स के बख्तर यानी उसका कवच T-72 से मजबूत है। एब्रम्स में लगा ट्रॉफी सिस्टम उसे दुश्मन के हमले से बचा लेता है, जबकि T-72 में ऐसा नहीं है। एब्रम्स जेट फ्यूल से चलता है, जबकि T-72 को डीजल ईंधन चाहिए। बस यही बात है जिसे लेकर अमेरिका यूक्रेन को यह टैंक देने में ज्यादा जल्दी नहीं दिखा रहा, क्योंकि युद्ध में अगर इस टैंक को जेट फ्यूल नहीं मिला तो ये लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और फिर पुतिन का कोई भी टैंक इस पर आराम से निशाना लगाकर इसे खत्म कर सकता है। Particular tanks, certainly a key aspect of the training will be maintenance and sustainment of that capability. You've heard us talk about the fact that the M1 is a complex machine that requires a lot of maintenance to sustain it, keep it operating. So that will be crucial, which is why we're doing the training in stride with the actual refurbishment of the tanks. So that अपने घोड़े ज़ाज़ू को आजाद कराने के लिए फिरौती चुकानी पड़ी, यानी जो कमांडर पुतिन का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है, नाटो ने उसे ब्लैकमेल करके उससे भी फिरौती वसूल ली। ये बात कादिरोव से ज्यादा पुतिन के लिए शर्मनाक कही जाएगी। कादिरोव ने अपने घोड़े ज़ाज़ू को नाटो के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन अब उसे फिर डर सता रहा है कि ज़ाज़ू नहीं तो उसकी किसी और प्यारी चीज के खिलाफ नाटो साजिश रचने वाला है। 16 साल के ज़ाज़ू को चेक गणराज्य के एक गांव से इसी वर्ष मार्च में चुरा लिया गया था। इसके बाद कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी से संपर्क किया और फिर 15 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड हुई। कादिरोव फौरन ये रकम चुकाने को राजी हो गया और ज़ाज़ू अब फिर से कादिरोव के पास है। ज़ाज़ू को कादिरोव ने 2012 में खरीदा था। कादिरोव को घुड़सवारी का शौक है, लेकिन यूक्रेन में जब उसके खिलाफ प्रतिबंध लगे तो ज़ाज़ू भी इसकी चपेट में आ गया और फिर उसे चेक गणराज्य में एक जगह बंद करके रख दिया गया। अब ये घोड़ा फिर से कादिरोव के पास है, लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि कादिरोव अब टैंक पर सवार हो चुका है और उसका टारगेट कोई घुड़सवारी का मुकाबला नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव है।